और अब आज की अच्छी खबर, पूरी दुनिया में डायबिटिक कैपिटल कहे जाने वाले भारत में डायबिटीज का इलाज खोज लेने का दावा किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर का ये दावा है। कितना सही है उनका ये दावा, इसका दावा इंडिया न्यूज नहीं करता, लेकिन अगर वाकई इस लाइलाज बीमारी का इलाज हो जाता है तो तय है कि डायबिटीज के करोड़ों मरीजों के लिए अच्छी नहीं बहुत अच्छी खबर होगी। ये मटमैले रंग की गोली हिंदुस्तान के 5 करोड़ लोगों के लिए अच्छी खबर है और जिंदगी सामान्य ढंग से जीने का बड़ा वरदान है, ये दावा है इस दवा को इजाद करने वाले डॉक्टर प्रोफेसर नईम अहमद खान का। भारत को विश्व का डायबिटिक कैपिटल कहते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक हिंदुस्तान में ही है। अब दावा ये है कि पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही डायबिटीज का इलाज हिंदुस्तान में खोज लिया गया है। पूरी स्टडी करने के बाद तो हमें ये महसूस हुआ कि कहीं ऐसी दवा की भी जरूरत है जो हम वो दवा ले आए कि जिसमें वो पैंक्रियास को हेल्दी करे और इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करे जिससे शुगर लेवल मेंटेन होना शुरू हो जाए। इसके लिए हमने दवाओं का एक कंपोजिशन बनाया। प्रोफेसर नईम खान ने 2013 में कई जड़ी बूटियों से ये दवा तैयार की है। पहले जानवरों पर सफल परीक्षण के बाद इसी साल जनवरी में कई मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया और उसके नतीजे बेहतरीन रहे। तो शुगर बढ़ जाया करती थी मेरी, 280 तक पहुंच गई थी मेरी। देखा तो उन्होंने बताया कि टैबलेट आप हमारे यहाँ इस्तेमाल करें। इस दवा की दो दो गोलियां दिन में 3 बार खानी होती है और दावा है कि 15 दिनों के अंदर असर दिखना शुरू हो जाता है। दिव्या कॉलेज में मुफ्त मिल रही इस दवा को अभी कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसको पेटेंट कराने की तैयारी शुरू हो गई है।